हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी का। वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और मैं आज आपको लेकर आया हूँ एक राजस्थान के एक छोटे से शहर पुष्कर में। पुष्कर जाना जाता है यार अपने सबसे ज़्यादा फेमस ब्रह्मा टेम्पल की वजह से, जो कि बिल्कुल सिटी के बिल्कुल सेंटर में है। और हम उसके पास में ही एक होटल लेके रुके हुए हैं अपना एक छोटा सा होटल। मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉपर्टी का जो भी एरिया है अच्छे से दिखाता हूँ। बहुत छोटा सा पुराना सा होटल है, हेरिटेज जिसे बोलते हैं। तो यार मैं पहले थोड़ा सा आपको ना पुष्कर के बारे में बता देता हूँ। पुष्कर जाना जाता है यार अपने एक तो मंदिर की वजह से, दूसरा यहाँ पे एक ब्रह्म सरोवर है जिसे बोलते हैं पुष्कर लेक। मतलब आज की डेट में तो पुष्कर लेक के नाम से ही जानी जाती है वो, बट वो पहले के टाइम में मतलब अपने ग्रंथों में लिखी हुई है अपना ब्रह्म सरोवर के नाम से उसको जाना जाता था पहले। और पुष्कर एक और चीज़ के लिए फेमस है अभी आज की सेंचुरी में, जिसे बोलते हैं ट्रेड फेयर, जैसे यानी कि पुष्कर मेला। पुष्कर मेला यार भारत में सबसे बड़ा मेला होता है, और सबसे मतलब दुनिया के हर कोने से यहाँ पे लोग आते हैं। और बहुत बड़ा मेला होता है, मतलब मैंने आज तक नहीं देखा है। मतलब मैं इंडिया में रहता इतने सालों से, बचपन अपना यही निकाला है मैंने, बट मैंने आज तक वो मेला नहीं देखा है। फॉर श्योर मैं इस साल देखूँ अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं यार पुष्कर के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। पुष्कर के अंदर इतने सारे टेम्पल हैं जिनको एक बार में तो मतलब कवर करना या जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब किसी के लिए भी, क्योंकि दूर दूर भी है। कुछ चोटियों के ऊपर बने हुए हैं जो पहाड़ हैं यहाँ पे पुष्कर घिरा। हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, पुष्कर घिरा हुआ है अपने आसपास के पहाड़ों से। मतलब इसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स हैं, मतलब जैसे देख कभी आओगे तो आपको देखने को मिलेंगे पहाड़ पुष्कर के पास में। मतलब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, मैंने क्लिप्स ली हैं, बट मैं आपको अभी ऊपर जाके पूरी होटल की प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, देन उसके बाद यहाँ के पहाड़ भी दिखाता हूँ, और फिर आपको दिखाऊँगा यहाँ पुष्कर की एक पुष्कर की लेक जिसे बोलते हैं ब्रह्म सरोवर, और दिखाता हूँ यहाँ के टेम्पल। पुष्कर में यार जैसे तो बहुत सारे टेम्पल है, बट मैं चार ही कवर करूँगा। उन चारों के नाम मैं आपको आने वाली आगे जैसे वीडियोस में दिखाता हूँ और बताता हूँ उनके बारे में। मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये मेरा होटल जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, और ये बिल्कुल मेन रोड से हार्डली 800 मीटर अंदर है। ये बिल्कुल वॉकिंग पे है। इसके पास में एक गुरुद्वारा है जो कि हिस्टोरिकल है, वो उसके बारे में मैं आपको कल इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये मेरा होटल है, इसका नाम है सज्जन बाग रिजॉर्ट। तो यहाँ से चलते हैं अंदर। ये इसके सामने बिल्कुल बड़ी सी एंट्री है, और ये कार पार्किंग वगैरह आ जाती है यहाँ पे, और इसके बाद सीधा चलते हैं अंदर की तरफ। एंट्रेंस बिल्कुल सही है यार, बहुत सही लग रहा है देखने में। और ये देखो कितना प्यारा सा इसका गेट है, जिसके ऊपर ऐसा पिकॉक बना हुआ है, बाहर से तोप लगी हुई है, मतलब बिल्कुल हेरिटेज फील दे रहा है और बहुत सही लग रहा है देखने में तो। और आज यार मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है बाहर, मतलब बारिश हुई है जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे। और ये है कुछ इसकी रिसेप्शन एरिया, ये रिसेप्शन एरिया से एंटर करके हम सीधा जाते हैं इसके पैसेज में। ये मस्त यहाँ पे यार बैठने के लिए बना रखा है चिल प्लेस। शाम के टाइम बैठ के यहाँ पे आप चाय या कॉफ़ी पी सकते हो या कुछ स्नैकिंग कर सकते हो। ये भी फाउंटेन बंद है क्योंकि यहाँ पे भी लाइट पावर कट हो रखी है, बेसिकली बाहर कुछ ट्रांसफार्मर का इशू हुआ है। इस चक्कर में आज यार लाइट नहीं है यहाँ पे, जब से हम यहाँ पे आए हैं। बेसिकली मैं 2 बजे आ गया था, उसके बाद थका हुआ था इतना, सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ के, मतलब हालत ख़राब थी। और फिर आके हम सो गए, और कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं आज का दिन, मतलब यूँ ही ख़त्म हो गया मेरा। और ये कुछ इसकी पैसेज की एंट्री है, यहाँ आस पास ये सब रूम्स हैं, और ये कॉटेज बना हुआ है जहाँ से आप ऐसा कुछ ऑर्डर कर सकते हो। अभी फिर ये कैफेटेरिया बंद है, बस रेस्टोरेंट इसके ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, उसका भी इन और आउट दोनों साइड की इसकी मतलब सीटिंग एरिया बना रखा है। और ये है कुछ जो रूम्स हैं, ये रूम्स के बाहर बैठने के लिए, मतलब ये के रूम है और एक ये रूम है, इन दोनों के बाहर से बैठने के लिए एक कॉमन एरिया बना रखा है। इस साइड पे मतलब बैठने के लिए बना रखा है, बट इस साइड पे कुछ इस टाइप की चीज़ें, जैसे ये रूम है और ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा एक टेबल और एक चेयर लगा रखा है सिर्फ इस रूम के बाहर, बट हमारे रूम के बाहर थोड़ा सा इन्होंने अच्छा किया हुआ है। जैसे ये रूम ही बना हुआ है, और ये देखो ये यहाँ पे मैं इस वाले रूम में मैं रुका हुआ, ये पूरा रूम है, और इसके बाहर का कुछ एरिया ये है, यहाँ से एंट्री होती है, सामने बिल्कुल ऐसा दिखता है, बहुत अच्छी ग्रेफिटी इन्होंने बना रखी है, मस्त अच्छा दिख रहा है दिखने में। ये मेरा रूम है यार, अभी लाइट नहीं है अंदर, इसलिए मैं रूम आपको रूम टूर बाद में कराऊंगा, पहले आपको मैं होटल प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। इस प्रॉपर्टी पे एक छोटा सा पूल भी है जो कि बहुत सही दिख रहा है इस टाइम पे, पानी बहुत साफ़ है क्योंकि बारिश हुई है। ये देखो यार,
माता बाटा टेक के आ गए हम, और अभी जा रहे हैं कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी या लंच कुछ करने के लिए, स्नैक्स खाने के लिए बेसिकली, क्योंकि चलते चलते लग रही है बहुत गर्मी और धूप हो रही है आज बहुत तेज़। कल बारिश के बाद ना यार बहुत अलग सा मौसम हो जाता है नेक्स्ट डे जो रहता है बारिश के बाद, तो हालत ज़्यादा ख़राब है। शक्ल देख के आपको लग ही रहा होगा, ये है कुछ रास्ता। हाँ बिल्कुल यही, तो पहुँच गए भैया कैफ़े में, कल रात वाला ही है सेम। ये गेट यार बड़ा सही है इसका, ऐसे ओपन करके जाओ अंदर आके, इसका फिर से ऐसे बंद कर दो। ओप्स, मस्त है। पर यार पुष्कर की ना एक बात बढ़िया ये लगी मुझे कि ना आप यहाँ पे मतलब आपको घूमने के लिए टूरिज्म के लिए बाइक और गाड़ी वगैरह मतलब रेंट पे मिल जाती है, बहुत मिनिमम सा रेंट है, 400-500 रुपए के अंदर आपको बार्गिन करनी पड़ती है। सीज़न के टाइम पे ये प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो सीज़न के टाइम पे ना ये प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं, और बहुत इजी है मतलब कम्युनिकेट करने के लिए इधर से उधर। ऑल दो पैदल करके भी घूम सकते हो सब जगह, बट अगर आप के पास एक आपका लाइसेंस या ऐसा कुछ है तो आपको ये रेंट पे दे देंगे बाइक, और आपको घूमने में ईजी हो जाएगा। अभी मैं आ गया अपने कैफ़े में जहाँ पे मंगाऊंगा कुछ खाने के लिए, ये आ गया मेन्यू, और ये रही मेरे सामने व्यू। इस कैफ़े से ना यार व्यू बड़ा सही आ रहा है, अभी पूरा खाली पड़ा है, कल शाम को हम इसमें आए थे डिनर करने के लिए। बहुत मिनिमल है, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है, बहुत ओवर प्राइस भी नहीं है, और ये यहाँ से घाट के नज़ारे और पूरी लेक दिख रही है, बहुत बढ़िया। तो इस लेक के पीछे की कहानी ये है ना, बेसिकली ब्रह्मा जी का जो लोटस का फूल था मतलब कमल का फूल, वो उन्होंने पृथ्वी पे फेंका मतलब या गिरा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि गिरा या फेंका उन्होंने। तो उसके बाद वो जिस जिस जगह पे उसकी पंखुड़ियाँ गिरी तो वहाँ पे लेक फॉर्म हो गई, इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे यज्ञ किया इसको पवित्र करने के लिए, सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो इस करके इसका नाम पुष्कर पड़ा, और इसलिए इसको पुष्प भी बोलते हैं जैसे फूल को, तो इसलिए लेक फॉर्म हुई उसकी पंखुड़ी से। सोचो यार कितना मतलब कैसा एडवांस टाइम होगा उस टाइम का कि एक फूल की पंखुड़ी से सर लेक फॉर्म हो गई। विष्णु जी के तीसरे अवतार जो थे उनके नाम पे इसका नाम रखा हुआ है वराह घाट। कल मैं शाम को इस साइड ही आया था, ये ऊपर शायद कैफे बना हुआ है। बैकुंठ घाट अलग अलग नाम से अलग अलग हुए। वो मंदिर के अंदर मतलब मैं घुसा ही था और बारिश हो रही थी यार उससे पहले ना, और जैसे ही बाहर आया बारिश ख़त्म, 2 मिनट भी नहीं लगे जाके आने में, मतलब बहुत खाली था, मतलब पूजा हो रही थी किसी की ऑलरेडी, तो मैंने अंदर वीडियो बनाना अच्छा नहीं समझा, इसलिए मैंने बाहर आके वीडियो स्टार्ट कर दी। और अब मैं निकलता हूँ यहाँ से एक घाट की तरफ, यहाँ पर जैसे बोलते सनसेट पॉइंट है या हाँ, तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। बारिश हुई यार अभी थोड़ी देर पहले, बहुत बारिश हो रही थी, ये मेरे को शॉप बड़ी सही लगी, इसमें कलरफुल से इतने सारे ड्रीम कैचर लगे हुए हैं। मोस्टली मुझे ऐसा जो पूरा एरिया लगा ना वो सिर्फ ऐसा कपड़े की मार्केट ही लगी। ये फिर से वही प्योरिटी स्टोन्स, फिर ऐसा कुछ जूस मिलने लग रहा है ये गन्ने का। एक चलती सुबह से चल रही है, एक दूसरी वाली बहुत बढ़िया है वाली, ये सुबह से चल रही है, मैं सुबह से इसको ऑन ही देख रहा हूँ। टूरिस्ट हैं पूरा दिन ही आते रहते हैं, आई गेस वो सामने वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से अंदर की तरफ तब जाएंगे। वाइट वाली बिल्डिंग थी, वाइट वाली बिल्डिंग के साथ में ही रास्ता जा रहा होगा, उसमें ही है अपना जो सनसेट पॉइंट है। सनसेट तो क्या ही है, मौसम पूरा बादल वाला हो रहा है। मंदिर ही मंदिर है, ऐसा मंदिर ही वाला बन पड़ा है ये भाई। यहाँ पे जैसे सनसेट पॉइंट या जयपुर घाट बोला गया है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। मस्त कबूतर और ये बत्तख बैठी है, छांव खा रही है, मतलब धूप सेक रही है बढ़िया से। बत्तख और कबूतर मस्त धूप सेक रहे हैं, और कुछ ऐसा ये एरिया बैठने का बना रखा है आसपास। बारिश हुई थी, मैं यहीं बैठा हुआ था यार,
कुछ ऐसा दिख रहा है। चलो मैं बेसिकली सामने कहीं रेस्टोरेंट में था उधर उस तरफ, तो वहाँ से निकल के मैं यहाँ आ गया हूँ और बीच में एक मंदिर देख लिया और बस अब निकलते हैं यहाँ से। ये मस्त यहाँ पे बिल्कुल घाट के बराबर में ही जो सनराइज़ पॉइंट है, इसके सामने दो तीन से रेस्टोरेंट हैं, होटल बने हुए हैं। और ये पीछे बना हुआ है पुष्कर पैलेस होटल। रास्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका, मतलब इधर जाने के लिए ना सनराइज़ पॉइंट पे, सॉरी सनसेट पॉइंट पे जाने का ना रास्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ से थोड़ा अंदर अंदर से निकल के आना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी सी गलियाँ हैं पल की तरफ, तो ये बीच में देखो यार ऐसे पुराने पुराने घर से बने हुए जो अबैंडन पड़े हैं, ऐसी पतली पतली गलियों में से होता हुआ जा रहा हूँ। यार ऐसी गलियों में घूमने का ना मज़ा तो अलग है कुछ भी हो। अभी बस मैं चलता हुआ ऐसी गलियों में से निकलता हुआ जा रहा हूँ, देखता हूँ सही जगह पहुँच ही पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि लोकेशन गूगल मैप की थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है सम टाइम। अभी इससे पहले भी जो मैं आपकेश्वर महादेव मंदिर गया था तो उसका भी गूगल में नाम कुछ हो रहा था, बट जाके ढूँढने पर मेरे को मिल गया। ऐसे अंदर अंदर मस्त कैफे बने हुए हैं, एक बार मैं मैप चेक करता हूँ सही लोकेशन है। वही पहुँच गए गूगल मैप से देखते हुए, पतली पतली गली से लेकर आया। ये है बराह मंदिर जो विष्णु भगवान के थर्ड अवतार थे ना उनका टेंपल है, तो चलते हैं ऊपर। ये मंदिर पूरा खाली पड़ा ऐसा लग रहा है, बंद ना हो बस। पूरा ऐसा एरिया खाली है, सामने पार्किंग बनी हुई है, ऊपर से ऐसा व्यू दिख रहा है। सही है यार, पता नहीं खाली क्यों है। ये वाला एरिया मेरे को थोड़ा सा खाली मिला। वही जा आया मैं मंदिर के अंदर, वैसे तो कुछ था नहीं, बस खाली मंदिर था, मतलब लोग भी ज़्यादा नहीं थे, दो चार लोग ही थे और पुजारी भी पता नहीं किधर था। कुछ आंटी बैठे हुए थे नीचे बस, आई गेस वो यहीं रहते हैं, साइड में दो तीन लोग रह रहे थे आपस में, उनका घर बना हुआ था, शायद वो मंदिर के पुजारी होंगे जो कि इस टाइम अभी है नहीं या मंदिर का टाइम अभी ऑफ है, बट मंदिर खुला हुआ था, टाइम इसमें ऑन दिखा रहा था, कुछ ऐसा ये दिखता है। और ये इसके बाहर की पार्किंग है पूरी, और अभी हम चलते हैं। बट पार्किंग पे तो ठीक है, बट यार गलियां बहुत छोटी छोटी है यहाँ पे। अगर आप स्कूटी लेके घूम रहे हो ना तो सबसे बेस्ट है आपके लिए यहाँ पे रेंट आउट कर लेना, और फिर आपके लिए इजी है पुष्कर घूमना। पुष्कर की वीडियो आपको शायद अच्छी लगी हो, उम्मीद करता हूँ। और ऐसे अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दिखाते रहें, ऐसे इसके इसको देख के मुझे मतलब इंस्पिरेशन मिलती है और ऐसा कंटेंट बनाने की। तो चलो मिलते हैं फिर जयपुर में।